नमस्कार, आप दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज की खास खबरों पर। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते को मूल वेतन के 28% से बढ़ाकर 31% कर दिया गया है। यह वृद्धि 1 जुलाई 2021 से होगी प्रभावी। चीन में कोरोना वायरस का कहर एक बार फिर तेजी से बढ़ता दिखाई दे रहा है। 4 लाख की आबादी वाले लांझू में संक्रमितों की बढ़ती संख्या को देखते हुए पूरी तरह लॉकडाउन लगाया गया। इस चीनी शहर में लोगों के घरों से निकलने पर पाबंदी लगा दी गई है। केवल आपात स्थिति में ही लोगों को घरों से निकलने की इजाजत। उत्तर प्रदेश चुनाव में राम के नाम पर सियासत। केजरीवाल के अयोध्या दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तंज। चुनाव के समय आई राम की याद, दिल्ली संभल नहीं रहा, आ गई यूपी। कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं को सोनिया गांधी की नसीहत। निजी महत्वाकांक्षाओं को दबाकर पार्टी को मजबूत बनाए, पार्टी नेताओं के साथ की बैठक। लखीमपुर कांड में यूपी सरकार को फटकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 23 ही क्यों है और चश्मदीद लाए। लखीमपुर कांड की अगली सुनवाई 8 नवंबर को होगी। इस मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा है आरोपी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान के क्रिकेट मैच जीतने पर जो लोग पटाखे फोड़ते हैं उनका डीएनए नहीं हो सकता भारतीय। आरोपों से घिरे एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े पर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक का एक और लेटर बम। चिट्ठी जारी कर कहा बॉलीवुड से वसूली के लिए हुए वानखेड़े की नियुक्ति, बर्थ सर्टिफिकेट को फिर बताया असली। पति समीर वानखेड़े के बचाव में आई पत्नी और बहन, आरोपों को बताया राजनीति से प्रेरित। दिल्ली में समीर वानखेड़े के अफसरों के सामने पेशी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में मंगलवार को सुबह की सैर के दौरान तेंदुए के हमले में 50 वर्षीय व्यक्ति घायल। घटना उपनगरीय हड़पसर की गोसावी बस्ती में हुई। यह बस्ती देश की प्रमुख वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के परिसर के करीब स्थित है। सरकारी नौकरी में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को प्रोन्नति में आरक्षण के मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा। ड्रग मामले में गिरफ्तार शाहरुख पुत्र आर्यन खान के पक्ष में मुकुल रोहतगी में पेश की दलीलें। कहा बिना किसी सबूत के 23 दिन से जेल में है आर्यन, इनके पास से कोई नहीं मिला प्रतिबंधित सामान। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि भाजपा में भगदड़ की स्थिति, भाजपा के ऐसे कई लोग हैं जो कांग्रेस में आना चाहते हैं, अगर हमें लगता है कि किसी को लाने से चुनाव में फायदा है तो उस पर विचार करेंगे। एनसीपी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े ने कहा कि हमें सुरक्षा दी गई है क्योंकि हमें जान का खतरा है, हमें हमारे बच्चों को और मेरे परिवार को डराया धमकाया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी गोवा में विधानसभा चुनाव प्रचार शुरू करने के लिए 30 अक्टूबर को करेंगे राज्य का दौरा। गांधी खनन प्रतिबंध से प्रभावित लोगों से कर सकते हैं मुलाकात, वहां मछुआरों से भी करेंगे मुलाकात। एसडीआरएफ ने बागेश्वर जिले के कपकोट में सुंदरडूंगा ट्रैक पर लापता हुए 6 लोगों के लिए चलाया खोज और बचाव अभियान। अभी तक 5 शव बरामद किए गए, शवों को कपकोट लाया गया है, पोस्टमार्टम किया जाएगा। लखीमपुर हिंसा की जांच के लिए गठित एसआईटी ने किया 2 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार। सुमित जायसवाल द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर हिंसा में कथित तौर पर संलिप्त विचित सिंह और गुरविंदर सिंह को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सियासी दलों ने झोंकी ताकत। शिवराज को लेकर नरोत्तम तक उतरे चुनावी मैदान में कमलनाथ समेत कांग्रेस दिग्गजों की ताबड़तोब सभाएं। मोदी सरकार के मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रालय में सफाई अभियान। झाड़ू लगाकर मंत्रालय को किया साफ, कांग्रेस ने बताया नौटंकी। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने विक्की कौशल अभिनीत फिल्म सरदार उधम को ऑस्कर की एंट्री से कर दिया बाहर। जूरी मेंबर का कहना है कि इस फिल्म में अंग्रेजों के प्रति दिखाई है काफी घृणा, इस वजह से लिया गया है फैसला। शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा के मानहानि नोटिस का दिया जवाब। शर्लिन चोपड़ा ने शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के 50 करोड़ के मानहानि नोटिस का दिया जवाब। शर्लिन के अनुसार जब उन्होंने राज के खिलाफ पुलिस को की थी शिकायत तो राज ने घर आकर उन्हें धमकाया था। ये थे फटाफट बुलेटिन और ताजा अपडेट के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। विजिट कीजिए webdunia.com।